हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान स्टूडियो। और फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूं एक और नई जानकारी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको 8 ऐसी चीज़ें बताने वाली हूं जो कि आपकी सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होती है। यदि आपने इन 8 चीज़ों का सेवन किया तो आपको प्रोटीन से रिलेटेड किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि प्रोटीन जो होता है वह हमारे शरीर के लिए बेहद आवश्यक होता है। यह आपकी हड्डियों को मजबूत करने में, आपके शरीर में खून को बनाने में, इसके अलावा आपके मसल्स के लिए भी प्रोटीन बेहद जरूरी होता है। प्रोटीन जो होता है, यदि आप रोज़ाना 1 महीने तक इसका सेवन करते हैं तो कुछ ही दिनों में आपका जो शरीर है वह बहुत ही ताकतवर हो जाता है और आपके शरीर की कमजोरी बिल्कुल दूर हो जाती है। तो मैं आपको बता रही हूँ इन 8 चीज़ों के बारे में जिनका आप सेवन करिए तो इससे आपको बहुत ही बेहतरीन फ़ायदा होगा। ये प्रोटीन का खजाना होती हैं। लेकिन फ्रेंड्स, यदि आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। यहाँ पर आपको हेल्थ से रिलेटेड ढेर सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। इसके अलावा आप बेल के आइकन को भी दबाइए ताकि जब भी मेरे चैनल पर नया वीडियो आएगा तो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहली चीज़ जो होती है वह होता है पनीर। पनीर में प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन B12 और विटामिन डी मौजूद होते हैं। यह आपकी दांतों से संबंधित समस्याओं को दूर करते हैं। इसके अलावा आपकी हड्डियों को मजबूत बनाने में और तनाव को कम करने में बहुत ही फायदेमंद होते हैं। इसके बाद जो दूसरी चीज़ होती है वह होता है चने की दाल। चने की दाल में कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन, आयरन और फाइबर भरपूर मात्रा में पाया जाता है। इसका सेवन करने से आपकी पाचन शक्ति बेहतर होती है और आपके चेहरे पर भी निखार आता है। इसके बाद हम बात करते हैं काबुली चने की या चने की। तो ये चने अंकुरित करके खाने से आपको सबसे ज़्यादा फायदा मिलता है। यह आपकी किडनी को स्वस्थ रखने में बेहद ज़्यादा लाभकारी होते हैं। इसके बाद जो मूंग दाल होती है, मूंग दाल में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फास्फोरस भरपूर मात्रा में होता है। इससे एनीमिया जैसे रोगों से आपको लड़ने में मदद मिलती है और आप बहुत ही आसानी से अपने शरीर का स्टेमिना बना सकते हैं और एनीमिया जैसी गंभीर समस्या से बच सकते हैं। इसके बाद जो अगली चीज़ होती है वह होता है सोयाबीन। सोयाबीन में दूध, अंडे और मांस से भी ज़्यादा प्रोटीन होता है। इसका सेवन करने से आपको एनीमिया, शुगर, उच्च रक्तचाप, हड्डियों और त्वचा की बीमारियां नहीं होती हैं। 100 ग्राम सोयाबीन में लगभग 40 ग्राम प्रोटीन होता है। फ्रेंड्स, इसके बाद जो अगली चीज़ होती है वह होता है राजमा। राजमा में प्रोटीन के साथ साथ इसमें मैग्नीशियम, कार्बोहाइड्रेट, फास्फोरस और आयरन भी भरपूर मात्रा में होता है और यह आपके दिमाग को एक्टिव रखने में बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। यदि आपको बालों के टूटने की समस्या है तो भी आप राजमा का सेवन करिए तो इससे आपके बालों के टूटने की समस्या खत्म हो जाएगी। इसके बाद जो अगली चीज़ होती है वह होता है मूँगफली। मूँगफली प्रोटीन, एंटीऑक्सीडेंट, खनिज और विटामिन से भरपूर होता है। मूँगफली आपके शरीर को मजबूत बनाने में लाभदायक होता है, साथ ही आपकी पाचन क्रिया को भी बेहतर करता है। 100 ग्राम मूंगफली में लगभग 25 ग्राम प्रोटीन होता है जो कि आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। इसके बाद जो अगली और अंतिम चीज़ होती है वह होता है तिल। तिल में प्रोटीन जो होता है वह बहुत आयत मात्रा में पाया जाता है। इसे प्रोटीन का खजाना कहा जाता है। तिल का सेवन करने से आपकी त्वचा जो है वह बहुत ही खूबसूरत होती है, स्किन के लिए बहुत ही इफेक्टिव होता है। इसके अलावा यह कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और आपका हृदय जो है वह स्वस्थ रहता है, आपको दिल से संबंधित समस्याएं नहीं होती हैं। तो दोस्तों, यदि आप रेगुलर किसी न किसी रूप में इनमें से किसी एक चीज़ का भी सेवन करते हैं तो इससे आपके शरीर में प्रोटीन की कमी नहीं होती है और आप लंबे समय तक प्रोटीन से होने वाली बीमारियों से बहुत ही आसानी से बच सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि यह जानकारी आपको पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और लोगों तक यह वीडियो पहुंच सके।